नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में संगम मल्टी ब्लॉग में। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी वीडियो देखते होंगे। तो फिलहाल देखिए, गैस खत्म हो गया, अब मैं खाना कैसे बनाऊं। अभी मांशु के पापा के पास फ़ोन करती हूँ, उसके बाद से गैस आएगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। और अभी देखिए, मैं जाई थी सब्जी काटने और यहाँ देखिए बैंगन और टमाटर मैंने चूल्हे पे रख दिया है चोखे के लिए। दाल मैंने चढ़ा दिया है, तो लगभग दाल हो गया है, लेकिन अभी चावल रोटी और सब्जी बाकी है। तो बहुत ही, अब देखिए गैस मिल जाएगा तो बनाऊंगी अभी खाना, नहीं तो आज तो भूखो मरना पड़ेगा। प्लीज़ हेल्प मी। तो मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो एक सिलेंडर भिजवा दीजिए और मेरा खाना बन जाए प्लीज़। तो यही था तो हंसी मजाक की बात। और देखिए अभी मैं खाना बनाने के लिए क्या होता है, अभी मैं फिर दूसरा फिलहाल काम करती हूँ और तब तक चल रही हूँ मैं अपना रूम ही सेट कर ले रही हूँ अच्छे से। कपड़े उपड़े बिखरे पड़े हैं, जो धुला हुआ कपड़ा था वो मैं ले आई हूँ तो ऐसे ही पड़ा है, तो मैं चल रही हूँ उसको सही करने। रहिए मेरे वीडियो में, तो चलिए दिखाती हूँ। देखिए फिलहाल मैं अब चल रही हूँ, कपड़े फोल्ड करूँगी और बिस्तर को सही करूँगी। पहले कपड़े फोल्ड करती हूँ फिर उसके बाद से बिस्तर में सही करती हूँ, और उधर अलमारी है उसको भी मुझे सही करना है। तो जल्दी हुई चलती हूँ मैं काम पे। और घर के काम के साथ साथ देखिए मैं किचन में आ गई, और आज मैंने देखिए एक नई चीज़ बनाई है जो कि आप लोगों ने शायद ही कभी ऐसी रेसिपी बनाई होगी। तो किचन में आज मैंने मूली आया था तो उसके पत्तों को मैंने काट लिया है, और काट के देखिए उसमें मैंने मिला दिया था टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया को मैंने डाल के और तुरंत कुकर का सीटी लगा दिया था। और देखिए इस तरह से पक गया, और जब बॉयल हो गया तो हमने उसे कलछली की सहायता से कूट लिया, और कूटने के बाद से कढ़ाई में तेल डाला, तेल में मैंने जीरा डाला, थोड़ा सा लहसुन, और इसको स्किप भी कर सकते हैं डायरेक्ट, आप तेल डाल के और जीरे से तड़का दे के आप मिर्ची डाल के आप जितना भी तीखा पसंद करते हैं डाल सकते हैं। और उसके बाद से मैंने देखिए एक चम्मच भुना हुआ चने का बेसन डाला हुआ है, या कह लीजिए सत्तू, और या तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे ही उसमें डाल के और अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल दी थी और पका लूँगी। और थोड़ा सा देखिए भरवा मिर्चा मैंने डाल दिया है उसका मसाला, और आप नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं, इसका टेस्ट लेकिन बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने ऐसे ही चला के इसको थोड़ा सा पका लिया है, उसके बाद से मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया और हल्का सा पानी डाला, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र मतलब 2-3 चम्मच के लगभग में पानी मैंने। बहुत ही टेस्टी बना है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।